हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ बसंत बरेट, आई एम अली ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा MGI। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में कि ये जो हमारा ड्राई केमिकल पाउडर का जो एक्सटिंग्विशर है वो किस तरीके से वर्क करता है, और इसके हम पूरे पार्ट के बारे में जानेंगे कि कौन से पार्ट को क्या चीज़ कहा जाता है, उनके पर्पज़ क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जिप्सा MGI को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे क्लास सी फायर, जिसके लिए हमारे पास है DCP एक्सटिंग्विशर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इस एक्सटिंग्विशर के बारे में। इस एक्सटिंग्विशर को हम ABC एक्सटिंग्विशर या फिर मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर भी कहते हैं। ABC कहने का मतलब होता है फ्रेंड कि इस एक्सटिंग्विशर को आप हमारे क्लास ए फायर सॉलिड फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास बी फायर लिक्विड फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, और क्लास सी फायर गैस फायर या फिर इलेक्ट्रिकल फायर में भी आप इस एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस एक्सटिंग्विशर को नाम दिया गया है ABC या मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर। इसके हम हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके इस सिलेंडर के बारे में। यह सिलेंडर जो है 5 kg की कैपेसिटी के रूप में बनाया गया है। यह सिलेंडर जो है MS माइल्ड स्टील का बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी जो है 5 kg की है, और इसके अंदर हमने ड्राई केमिकल पाउडर के रूप में हमने मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जो एक पाउडर होता है, सूखा पाउडर होता है, उसको हमने इसके अंदर में कंप्रेस्ड तरीके से स्टोर प्रेशर के माध्यम से हमने इस पर क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें और भी हमारे पास पाउडर होते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, उस पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो अभी जिसके बारे में हमने बताया आपको मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट के साथ जो हमारा एक और होता है, हमारा पाउडर होता है अमोनियम सल्फेट, तो इनके कंसंट्रेट को मिलाने के बाद भी आप एक ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर तैयार कर सकते हैं, जिसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट और जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है, इसका एक कंसंट्रेशन होता है 60-40, 40-60 and 90-10 का। मतलब 90% हमारे पास मोनो अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, तो 10% हम उसमें लेते हैं अमोनियम सल्फेट। इस तरीके के कंसंट्रेट से हम एक एक्सटिंग्विशर पे हम ड्राई केमिकल पाउडर को रेडी कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार के क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी जो फायर है उसको हम आसानी से एक्सटिंग्विश कर पाएंगे, अगर वो पोर्टेबल टाइप में या माइनर तरीके से आग लगी हुई है उसके लिए ये एक्सटिंग्विशर हमारे लिए यूजफुल होगा। चलिए तो इसके बाकी पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी हम पहचान की अगर हम बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, लाइक हमारे पास वाटर एक्सटिंग्विशर होते हैं, हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर होते हैं, हमारे पास CO2 भी, और हमारे पास यह DCP जो ABC मल्टीपर्पज़ टाइप में है। अगर हम बात करें इसकी पहचान के लिए, तो अगर आपके सामने यह जो लिखा हुआ है तब आप इसको देख के तो पहचान सकते हैं कि यह हमारा ABC ड्राई केमिकल पाउडर या मल्टीपर्पज़ टाइप में है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप उसके कैप असेंबली विथ डिस्चार्ज ट्यूब जो लगा हुआ है इसको देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारे कौन सा एक्सटिंग्विशर है। तो हर एक्सटिंग्विशर में उसके जो डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं वो अलग देखने को मिलेगा। जैसे हमने एक वाटर एक्सटिंग्विशर पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी आप एक बार वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि उसका नोजल क्या है और उसका नोजल किस टाइप में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसकी पहचान है। साथ ही साथ में ये हमारा जो हैंडल है ये स्क्वीज टाइप का बनाया हुआ है, जिसपे एक सेफ्टी क्लिप लगी हुई है। जब हम इसको पास मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं तब हम इसी सेफ्टी पिन से ही स्टार्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो सिलेंडर है ये तो माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन इसके जो प्रेशर गेज के पास जो रेगुलेटर लगा रहता है, या कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट्स होता है, ये हमारा टोटल ये ब्रास का SS का बना होता है। SS का होता है कुछ पॉइंट्स इसके, और कुछ हमारे ब्रास मतलब पीतल के ये बने होते हैं। अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रेशर की, तो सबसे पहले जब हम इस सिलेंडर को यूज़ करते हैं, तो अगर ये न्यू कंडीशन पे अगर हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इसको परचेस करके लाए हैं, तब उस समय हमें इसका हाइड्रो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस एक्सटिंग्विशर को या इस सिलेंडर को यूज़ करते हुए मोर देन 4 ईयर अगर हो चुका है, तब आपको इसका हाइड्रो टेस्ट करना कंपलसरी रहेगा। हाइड्रो टेस्ट करने के लिए आपको इसको हाइड्रोलिक, जो हमारे पास मैनुअल पंप होते हैं, आप उसके थ्रू इसका हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट करने के लिए हमें 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर के साथ हम इस एक्सटिंग्विशर को क्या करेंगे, हाइड्रो टेस्ट करेंगे, और जब हाइड्रो टेस्ट हो जाता है तब उसके बाद ही हम इसमें दोबारा रिफिलिंग करेंगे हमारा जो भी मोनो अमोनियम फॉस्फेट या जो भी हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर के लिए जो हमारे पास मटेरियल है उसको फिल करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे हमारा एक प्रेशर गेज बना हुआ है। इस प्रेशर गेज में आपको 0 से लेके 28 तक का प्रेशर गेज आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रहा है। इसका यह मतलब है कि इस पे जो हम प्रेशर है वह 28 तक इसका ले जा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हमारा जो इसके अंदर में जो पाउडर भरा हुआ है मोनो अमोनियम फॉस्फेट या जो भी हमारा DCP पाउडर है उसको अगर हम यूज करेंगे तो उस समय जो हमारा वर्किंग प्रेशर होगा तो हमारा जो यहाँ पे जो बीच पे एक नुकीला जो इंडिकेशन डिवाइस है वो हमारे ग्रीन पे, मतलब ग्रीन पे कहने का मतलब है वो हमारा 15 से लेके 19 बार के बीच पे होना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस प्रेशर बार पे अभी जो हमारा यह जो निशान है ये ग्रीन वाले पॉइंट पे है, ग्रीन वाला पॉइंट इन द सेंस कि वो हमारे 15 से लेके 20 के बीच पे है। जैसे हमने अभी बात की है कि हमारा वर्किंग प्रेशर जो है ड्राई केमिकल पाउडर के लिए वो 15 से लेकर 19 के बीच पे होना चाहिए, ये हमारे लिए सेफ वर्किंग प्रेशर होता है। इस तरीके से हम इस एक्सटिंग्विशर को नॉर्मली वे में, सेफली वे में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका वर्किंग प्रेशर, अगर ये सुई जो है अगर ये 15 से नीचे है, मीन्स 14 पे है, 13 पे है, 10 पे है, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये उतना प्रेशर नहीं बना पाएगा और आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आपके वाटर मीन्स आपके फायर को एक्सटिंग्विश करने पे ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ये उतना कारगर साबित नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो सुई है, जो प्रेशर गेज की जो सुई है वो हमारा 15 से लेकर 19 मीन्स ग्रीन पे ही होना चाहिए, तभी ये हमारे यूज़ के लायक होगा। तो जब भी आप इस एक्सटिंग्विशर को कहीं पे अगर आप ऑपरेट करने के लिए ले जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि इसमें पाउडर भरा है। अगर भरा हुआ है तो उस समय हमारा प्रेशर गेज के थ्रू वर्किंग प्रेशर हमारा 15 से लेकर 19 प्रेशर बार पे है कि नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज इस पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आप स्पॉट पे जाएंगे और पता चल रहा है कि इसका प्रेशर तो डाउन है और ये उस समय आपको फिर हेल्प नहीं कर पाएगा किसी भी आग को बुझाने के लिए। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हम इसके अंदर में अगर कोई मटेरियल को फिल करते हैं, लाइक जो हमारा DCP पाउडर होता है, तो उस पाउडर को चेक करने के लिए क्वालिटीज़ होती है कि आप एक हाथ पे अपने कांच के गिलास में पानी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पाउडर डालिए, पानी को शेक करके देखिए, हमारा जो पाउडर होगा वो पाउडर जो है पानी के अंदर जाएगा, लेकिन जब फिर आप बाहर निकालेंगे तो वो पाउडर जो है आपको सूखे ही स्थिति पे दिखेगा या फिर वो पानी के ऊपर पे एक लेयर बना के तैरते रहेगा। इससे आपको ये क्वालिटी उसकी समझ में आ जाएगी कि हमने जो DCP पाउडर यूज़ किया है उसकी क्वालिटी बेस्ट है, मतलब अभी वो हमारे यूज़ के लायक है। इससे आप उसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लेवल जो है ये कवरिंग करता है कट ऑफ ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पर्टिकुलर फायर में, ये ब्लैंकेटिंग का काम करता है। जब भी आग पे अगर किसी ऑयल पे या फिर फोम जो लिक्विड फायर होते हैं या सॉलिड फायर होते हैं तो ये उसको क्या कर देता है, ब्लैंकेट के रूप में उसके ऊपर पे ये कवर बना लेता है। और जो हमारा फायर ट्रायंगल क्या कहता है कि हीट फ्यूल ऑक्सीजन में से किसी एक पार्ट को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारी आग बुझ सकती है, तो उस कंडीशन पे हम इस पे क्या करते हैं, इसको ब्लैंकेटिंग के रूप में यूज़ करते हैं। अगर इसकी हम अगर इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जब इसको हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो है 3.5 मीटर तक के आग को ये आसानी से कवर कर सकता है। मीन्स अगर आप यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी स्पीड जो रहेगी, इसका अगर एक डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यह जो है 3.5 मीटर वहाँ तक को आप आसानी से इस एक्सटिंग्विशर की मदद से कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो आज हमने जानी है हमारे DCP या फिर कह सकते हैं ABC मल्टीपर्पस ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो पास मेथड कहता है पुल द पिन, एम ऑफ द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द हैंडल एंड स्वाइप टू साइड, ये जो हमारा जो पास मेथड होता है आप उस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पास मेथड यूज़ करने से पहले फ्रेंड आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पहले आप हमारा जो विंड डायरेक्शन होता है मींस हवा का जो बहाव होता है, पहले आप उसको इंश्योर कर लीजिए कि हवा की बहाव किस साइड है, तो आप इसको जो हमारे आग की जो लौ होती है, फ्लेम होती है, उसको भी देख के आप यह जान सकते हैं कि हवा का जो फ्लो है वो किस साइड हो रहा है। तो आपको हवा के बहाव के जस्ट अपोजिट साइड पे खड़ा होना है और पास मेथड का इस्तेमाल करके इस ABC मल्टीपर्पस टाइप का जो हमारा ड्राई केमिकल पाउडर है, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर को आप आसानी से यूज़ करके किसी भी एक पोर्टेबल फायर को आप आसानी से बुझा सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।